मंठा पड़ी है दूध क्या है हां का मार बाइट भी हुई है जबड़ो खड़ी है साबुन की हुई क्या स्थिति है सरकार क्या पक्ष रही जो परिवादी है बाड़मेर के अंदर प्रकरण में मोहम्मद उससे मैं और यहाँ के स्थानीय विधायक मेवाराम जी जैन दोनों अभी मिले उससे उसकी पूरा बात हम लोगों ने सुनी उसका पक्ष सुना और उसको भी यही हमने विश्वास दिलाया है आपके माध्यम से मैं सबको ये विश्वास दिलाता हूँ निष्पक्ष जाँच होगी किसी के प्रभाव में ये जाँच प्रभावित नहीं होगी और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर जैसलमेर में भी घटना हुई कल रात को कानून हाथ में लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है पुलिस का भय जो है कहीं ना कहीं सौंप सौंप जा रहा है कहीं भी ऐसी घटना हुई चाहे जैसलमेर में हुई चाहे बाड़मेर में हुई नागौर के अंदर हुई ये संवेदनशील सरकार है तत्कालीन जैसे ही किसी के संज्ञान में आई उसका निष्पक्ष तौर पर ऊपर जाँच कर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। नागौर के आपके दौरे के बाद हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया छपा आपने पढ़ा होगा कि अशोक गहलोत के सारे भी काम कर रहे हैं चले हुए कारतूस है इस तरह के वर्ड यूज हो रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी की भाषा उनको मुबारक है जो मेरा तौर तरीका है मैं उसी तौर तरीके के ऊपर चलने वाला व्यक्ति हूँ और वो भाषा जो वो कहते हैं उनकी भाषा का मेरे पास कोई जवाब नहीं मैं एक सरकार के अंदर रहने वाला एक कैबिना मंत्री के तौर पर जो मेरी जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। ये भी बात है कुछ सरकार ने या किसी ने वहाँ भेजा नहीं था सचिन पायलट ने भी तीन सदस्यों की टीम भेजी थी वो अलग भेजी थी राजस्थान में सरकार कौन है जी सरकार मैं खुद कैबिनेट के सदस्य के नाते मैं सरकार हूँ तो ये सवाल कहाँ से आया पीड़ित ने सर आपको क्या बताया कहाँ पर मोहम्मद जी पीड़ित ने अपनी पूरी घटना जो FIR में दर्ज की वो घटना बताई उसमें ये कहा है कि सर लोहे के साथ उसके साथ हुआ इस तरीके की बात उसने जो हाँ बिल्कुल FIR के अंदर जो बात करी है वो इसने वापस दोहराई है कि मेरे साथ लोहे लेकिन पुलिस ने तो स्पष्ट मना कर दिया कि ऐसा कुछ वही मेडिकल बोर्ड ने मेडिकल बोर्ड ने भी मना कर दिया पीड़ित को मीडिया से कहीं ना कहीं मतलब पीड़ित जाँच हो रही है पुलिस आज के समय में क्या कह रही है वो अलग बात है जो भी सच्चाई है उच्च अधिकारी जो आए हुए हैं IG जोधपुर रेंज खुद यहाँ मौजूद है PHQ से जो मैं DG आए हुए हैं वो ह्यूमन राइट्स के वो यहाँ मौजूद हैं किसी भी तरह की कोई भी और ये जो प्राथमिक जांच हो रही है इससे हम लोगों को फाइनल ऑब्जर्वेशन कम से कम हम लोग इसका फाइनल ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर नहीं कर सकते जो पीड़ित है जो परिवादी पक्ष है उससे व्यक्तिगत तौर पर हमने बात करी वो अभी तक से जो प्रक्रिया से संतुष्ट है वो अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट है। सर अभी जिस तरीके की जरीतों की घटनाएं हो रही है कल भी एक हम SP ऑफिस में बैठे थे आपके जो पूर्व मंत्री है जो हादी परिवार है उन पर मतलब एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने जमीन दबा दी इवन के उनको खाने पीने तक के लिए और बच्चों को पढ़ने तक नहीं दिया जा रहा इस तरीके की गंभीर आरोप कानूनन आरोप लगाना का हक है हर किसी को हमारे जो नियम है उसके अनुसार और उसके ऊपर अनुसंधान होता है अनुसंधान होने के बाद में अगर वो सही पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है।